नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। तो दोस्तों, यूपी कैटर 2022 के एंट्रेंस एग्जाम के एडमिट कार्ड जारी हो गए हैं। हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं इसका एडमिट कार्ड आप कैसे डाउनलोड करेंगे, आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करके लाइव दिखाएंगे भी, और अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर या आईडी नहीं है तो आप उसको कैसे जनरेट कर सकते हैं ये भी आपको बताएंगे। तो दोस्तों, एडमिट कार्ड करने के लिए आप देख सकते हैं ये हमने यूपी कैटर का जो है पेज खोल रखा है। बता दें, इसका लिंक आपको जो है sarkaririzalt.com और rozgarrizalt.com पर मिल जाएगा। एडमिट कार्ड सेक्शन पर एडमिट कार्ड को डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको अपने कोर्स का जो है डालना है कि आपने यूजी में अप्लाई किया था, मास्टर पीजी और पीएचडी आपका पीएचडी है। तो यूजी डालेंगे, यहाँ पे पूछेगा आपका ग्रुप कौन सा है, आपको ग्रुप सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आपको अपना यूजर आईडी और रजिस्ट्रेशन नंबर दोनों में से कोई एक चीज डाल देनी है। यहाँ आपको पासवर्ड डालना है, ये पासवर्ड वही वाला है जो आपने फॉर्म भरते वक्त डाला था, वही पासवर्ड डालना है। यहाँ पे जो सिक्योरिटी क्वेश्चन आ रहा है वो डाल देना और साइन इन पे क्लिक करना है। इनकेस अगर आपके पास पासवर्ड मैच नहीं करता तो आप यहाँ से फॉरगेट पासवर्ड कर सकते हैं। अगर आप अपना फॉर्म नंबर या रजिस्ट्रेशन आईडी भूल गए तो फॉरगेट यूजर आईडी करके आप जो है दोबारा जो अपनी यूजर आईडी को जनरेट कर सकते हो। तो दोस्तों, मेरे पास लॉगिन है, मैं यहाँ से लॉगिन करता हूँ, साइन इन पे क्लिक करता हूँ और आगे चलता हूँ। जैसे हमने साइन इन किया तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके का डैशबोर्ड खुल जाएगा। डैशबोर्ड में आपका देखेंगे, आपका ये तीनों स्टेप कंप्लीट होना जरूरी है, क्योंकि बहुत से अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन वगैरह तो कर लिया लेकिन जो फीस पेमेंट का ऑप्शन है उसको छोड़ दिया। तो जिन लोगों ने भी ऐसा किया है उनका एडमिट कार्ड नहीं जारी किया गया। अगर आपका फॉर्म पूरी तरीके से कंप्लीट है, फीस पेमेंट हो चुका है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एडमिट कार्ड के सेक्शन के बगल में यहाँ पे एक ब्लू कलर का आपको बटन दिखाई दे रहा है जिसमें लिखा है डाउनलोड एडमिट कार्ड। आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना। तो चलिए इस पर क्लिक करते हैं। जैसे आप डाउनलोड एडमिट कार्ड पर क्लिक करेंगे, देख सकते हैं इस तरीके का एडमिट कार्ड कुछ डाउनलोड होगा। इसमें ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे आपकी जो परीक्षा का नाम है वो दिख जाएगा। नीचे यहाँ पे उन्होंने हेल्पलाइन नंबर भी दे रखा है कि जो यूनिवर्सिटी कंडक्ट करा रही है उसका जो उन्होंने हेल्पलाइन नंबर दे रखा है, ताकि अगर आपको किसी प्रकार की समस्या है तो आप वहाँ पे देख जा सकते हैं और उस पर जो है संपर्क कर सकते हैं। साथ ही साथ नीचे अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको प्रवेश परीक्षा की जो तारीख है वो मिल जाएगी, प्रवेश का जो टाइमिंग है, गेट बंद होने का टाइम है वो मिल जाएगा, आपका एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ गया है वो भी मिल जाएगा, आपका नाम, पिता का नाम, आपका जो फोटो, सिग्नेचर, ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। थोड़ा नीचे चले तो थोड़ा सा नीचे आने पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको जो इसका इंस्ट्रक्शन दिख जाएगा, पूरा इंस्ट्रक्शन है। यहाँ पे आपको जो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वगैरह काउंसलिंग के समय लगेंगे ये चीज़ें भी उन्होंने दे रखी है कि आपको जो काउंसलिंग में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने हैं उसकी जानकारी भी उन्होंने अपने एडमिट कार्ड में ही दे दी है। जैसे हाई स्कूल का अंकपत्र प्रमाण पत्र, इंटरमीडिएट का अंकपत्र प्रमाण पत्र, आपका जो उत्तर प्रदेश का निवास प्रमाण पत्र है, अगर आप किसी जाति से बिलोंग करते हो तो जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, EWS, खेलकूद, ट्रांसफर, अगर इस टाइप का जो जो आपके पास डॉक्यूमेंट है, साथ ही साथ आपको चरित्र प्रमाण पत्र भी जो है चाहिए रहेगा। तो ये सारी डॉक्यूमेंट आपको कलेक्ट कर लेने हैं अगर आप इसका एडमिशन लेने की सोच रहे हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा जहाँ से आप इस एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ ये लिंक आपको sarkaririzalt.com और rozgarrizalt.com पर भी मिल जाएगा। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई वीडियो के साथ, तब तक ले जाइए दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।